मौजूदा एमएलए ने उमर खालिद के साथ, खालिद 4 साल हो गया जेल की बात करते, तो उस वक्त इनकी दादागिरी कराना उलाना नहीं, ये बुजदिल है, इनके अंदर दम ही नहीं है, दोनों में दम नहीं है। मानव समाचार, मानवता के हक में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सियासी और सामाजिक बुराई थी, तो यात्रा चर्चा ने आपके सामने बात रखी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर दोपहर में 2 बजे से मालेगांव बचाओ इंसाफ यात्रा के नाम से खैबान निषाद चौक से यात्रा निकलने वाली है, जो शहर भर में घूमकर और हमारे साथ क्या हो रहा है ये शहरियान को बेदार करने का काम करेंगी। और उसी यात्रा में हम शहर के संजीदा अफराद, उलमा इकराम और जो दानेश्वर लोग हैं, जो शहर के लिए सोचते हैं कि शहर में तामीर और तरक्की हो, शहर में इस्लाह हो, उनसे भी हम उसी यात्रा के दौरान मिलेंगे। और हम सिर्फ उनके सामने बात यही रखेंगे कि आप इन दोनों के जलसे और प्रोग्राम देखो और हमारे देखो। जो लोग तलवार और बंदूक की बात बोलते हैं, ये सिर्फ बात बोलते हैं, इनके अंदर जिगर ही नहीं है। जिगर अगर किसी में है तो यहाँ बैठे हुए लोगों में है, जो फिरका परस्तों के खिलाफ ताकत से इस शहर में हर वक्त लड़े। वो 12 नवंबर का अगर वाकया हुआ, जब सब लोग खामोश हो गए, सब लोग डर गए, मौजूदा एमएलए खुद डर गए, एमएलए रहते हुए, उस वक्त भी शान हिंद ही वाहिद लीडर इस शहर में थी जिसने पुलिस के खिलाफ 6 दिसंबर आया तो एहतजाज की, उसके बाद धरना अगर देना पड़ा मजलूमीन के लिए तो रोड पर आकर धरना दी। तो हमने हमेशा लड़े हैं, हम कभी फिरका परस्तों से डरे नहीं। अगर गढ़ की यात्रा का सवाल आया तो उस वक्त भी सबसे पहले हम आए सामने, हमने उनको जेल भेजा। एमएचजी कॉलेज का वाकया हुआ, उस वक्त भी सबसे पहले हमने आवाज बुलंद की, जिला एसपी साहब तक जाकर मिले और उस वक्त उस मामले में हमने नुमाइंदगी की। और मंत्री साहब जो एमएचजी कॉलेज के वाकये को दूसरी सिमत में ले जाना चाहते थे, उसकी मुखालफत की। अगर ईदगाह ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने का वाकया हुआ तो यही शान हिंद वहां जाकर क्रिकेट खेलने की बात की। अगर शिवाजी महाराज के स्टेचू के पास फिरका परस्त 15 अगस्त को भगवा झंडा लेकर आने की बात बोली, तो इनकी छाती में दम नहीं था आजी और माजी आमदार के कि वह वहां पहुंचे। हम ही थे जो तिरंगा लेकर वहां पहुंचे और फिरका परस्तों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। सिविल हॉस्पिटल का वाकया हुआ या इंसाफ की आवाज का जब धरना हुआ, तो उस वक्त बड़े बहादुर थे माजी आमदार आसिफ शेख, तो इतने बहादुर थे तो जिस वक्त धरना चालू था शिवाजी महाराज के स्टेचू के पास, तो वहां आते ना वो जाकर बैठे बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास सिर्फ नाटक और छचन करने के लिए। ये बहादुर है ही नहीं, ये सिर्फ शहर में समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं। लीडर से समाज बनता है, अच्छा भी बनता बुरा भी बनता, मगर इन 25 सालों में सिर्फ और सिर्फ इस शहर में बुराई ही पनपी है। तामीर और तरक्की का नारा लगा है, हम जो बोल रहे हैं कि 25 साल में इस शहर को खंडर कर दिए, ये दोनों भी एक दूसरे पे यही इल्जाम लगा रहे हैं। ये बोलते इन्होंने कुछ नहीं किए, वो बोलते इन्होंने कुछ नहीं किए। बात तो ये बिल्कुल सच है कि किसी ने कुछ नहीं किया, इसलिए मालेगांव जो इंसाफ यात्रा निकल रही है, मालेगांव की आवाम उसमें ताउन करे, उसमें शिरकत करे, अलग अलग हिस्से में हम लोगों के घर तक जाएंगे। हमने इसलिए यात्रा निकालने का फैसला किया कि अब शहर को ये जरूरत है कि लोगों तक जाया जाए, और इनकी नाकामी और नाहली तो यहाँ तक ठीक थी, मगर अब जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह की तकरीरें की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जहां पर बोला जाता है वहां माँ बहनें सुनती हैं, तो क्या मुस्तकबिल में ये हमारे बच्चों के हाथों में तलवार और बंदूक देना चाहते हैं क्या, कि तालीम देना चाहते हैं? इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाई 25 सालों में दोनों ने मिलकर, और आज सिर्फ बंदूक तलवार और गलत ऐसी ऐसी बातें जो एक आम आदमी भी स्टेज से नहीं बोलेगा, ये लीडरी करने वाले लोग वो बात स्टेज से बोल रहे हैं। मैं दावे से ये बोलता हूँ कि इनके अंदर दम नहीं है, इनके अंदर जिगर नहीं है फिरका परस्तों से लड़ने का।
ये कभी मंत्री के खिलाफ एक बात नहीं बोलते। इन्होंने मीटिंग ली, उस मीटिंग में भी इन्होंने इतना सब होने के बाद, सारी चीजें उस तरफ चले जाने के बाद, उस पर एक बात नहीं बोलते। ये मंत्री से जो लोग डरते हैं वो आज इस तरह की बात कर रहे हैं बंदूक की। मैं आने वाला वक्त असम्बली का है, मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों का सियासी इनकाउंटर आवाम कर देंगी, क्योंकि इस तरह की बात इस शहर ने कभी पसंद नहीं की। इस शहर का अपना एक दबदबा रहा है जो हमेशा फिरका परस्तों के खिलाफ रहा है, और 23 नवंबर को लोगों ने वो दबदबा देखा और उस वक्त जो धरना दिया गया, 3 FIR पुलिस ने की। एक FIR जो है वो जो नकली शिव प्रेमी आए थे उनके ऊपर की, क्योंकि उनके लग परमिशन नहीं था और लॉ एंड ऑर्डर के हालात वो खराब कर रहे थे, एक दीवाने की तरह जाके अम्बेडकर पुतले के पास पहुंच गए, उनके ऊपर हुई। हमारे पास परमिशन था, मगर उसके बाद पुलिस ये बोलती है कि हम 4:30 बजे के बाद तक धरना चलाए, इसलिए हम पे भी FIR की गई। मुझे पुलिस वाले बुलाए, मैंने उनको साफ बोला हूं कि अब जो है मुझे और जो लोग भी 8 लोगों को आरोपी बनाए हैं, आप मजिस्ट्रेट के सामने हमको लेके चलो। अब मैं भी चाहता हूं कि ये मामला जज के सामने आए, जज के सामने मैं भी अब वीडियो बताऊंगा, ना उसमें जामीन लूंगा पुलिस स्टेशन से, ना उनकी नोटिस लूंगा, ना किसी रजिस्टर पे साइन करूंगा। ये पुलिस को मैं बोल दिया हूं और मीडिया के जरिए भी उनको बोल देता हूं। हाँ, वो अगर ये बोलेंगे कि तुमको गिरफ्तार करने आएंगे तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जज के सामने मैं खड़ा रहकर ये सारी बात बताऊंगा कि अगर कुछ लोग इस तरह की नफरत फैला रहे हैं एक समाज के खिलाफ कि अगर वहां फूल हार किया गया तो वो फूल को निकाल दिया गया, उसका शुद्धिकरण किया गया, तो इसके ताल्लुक से पुलिस डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया। अब मैं भी चाहता हूं, मैं उस वक्त भी पुलिस डिपार्टमेंट को बोला था कि उन सालों को 2 डंडा अगर उस वक्त पुलिस मारी होती, पुल के बाहर, पुल के इस तरफ नहीं दिखे होते, उस तरफ भागे होते, मगर उस वक्त पुलिस ने 2 डंडा उनको नहीं मारी, जबकि पुलिस का ये काम था कि वो जिस तरह के हालात उस वक्त खराब कर रहे थे उनको 2 डंडा मारना चाहिए था और वहां से भगाना चाहिए था, मगर पुलिस ने जो तरीका अपनाई कि सबको ऊपर केस कर देना और सबको थपथपाना, ये तरीका बराबर नहीं है। अगर कोई गुनहगार है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, मगर जो नहीं है उनके ऊपर कतई नहीं होना चाहिए। हम भी अब ये मैटर मजिस्ट्रेट तक लेके जाने के लिए तैयार हैं। आने वाला वक्त असम्बली का है, हम पूरी तैयारी असम्बली इलेक्शन की कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमको उम्मीद है कि शहर इन दोनों से नाराज है, इनके तामीरी काम और भ्रष्टाचार से नाराज है, इनके तरीकाकार से नाराज है। ऐसे वक्त में मालेगांव शहर तीसरी ताकत के तौर पर या तीसरी ताकत कोई बन सकती है तो शान हिंद की तरफ देख रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला वक्त इस शहर में बदलाव का रहने वाला है। ये इलेक्शन बदलाव का है, दोनों के खिलाफ है ये इलेक्शन, और वो बदलाव का नतीजा इस शहर में एक दमदार नुमाइंदा आने वाले वक्त में मिलने वाला है। पुलिस को यही मालूम है कि हमको भी नाच नचाना आता, फिर अगर एक ही लकड़ी से हाँक रही है तो पुलिस को ये भी मालूम है कि हम कौन है। हम भी फिर टिगनी का नाच नचाना जानते, ये पुलिस डिपार्टमेंट को पता है, मगर आज सरकार में कुछ लोग है, मंत्री है, दूसरे लोग है, यहाँ तक के शहर के भी कुछ लोग दबाव बनाते हैं कि हमको किसी तरीके से रोक दिया जाए। इनके अंदर खुद दम नहीं है लड़ने का, मगर ये चाहते हैं कोई तीसरा आदमी भी उनसे ना लड़े, फिरका परस्तों से ना लड़े, इसलिए पुलिस पे जानबूझ के दबाव बनाया जाता है। मैं कभी भी सियासी स्टेज से या सियासी मामलात में बंदूक ये निजी इस्तेमाल के लिए है, निजी हिफाजत के, उससे आवाम का क्या लेना देना। किसी का निशाना अच्छा हो, गोली से 4 शिकार कर देता हो, उससे लोगों को क्या लेना देना। आवाम आज परेशान है, औरतें परेशान है, आज आप देखेंगे KYC के लिए हजारों खवातीन परेशान है, उनके ताल्लुक से कोई कुछ नहीं बोलता। आज बैतुल खला के लिए कच्चे इलाकों में लोग परेशान है, आज मालेगांव शहर की 60% गटरे ओवरफ्लो होके बहती है, जहाँ नापाकी लगा के लोग मस्जिदों में अपने घर में शामिल होते हैं। जो लोग सियासत में इस्लाह करने के लिए आए थे वो इस्लाह छोड़ के असलाह की बात करने लगे। ऐसा हो गया है कि नापाकी लेके लोग मस्जिदों में जा रहे हैं, कि कैसे इस्लाह, शहर को गंदा और नापाक कर दिया गया और मस्जिद और मीनारों को शहर कहलाते, मदरसे के बच्चों को रो के आना पड़ा, जो बेचारे दुनिया की लज्जतों को छोड़ के मदरसे में दीन और अल्लाह से लो लगाते हैं, उनको आज सड़क पे उतर के आना पड़ा सियासी काम के लिए। ये शर्म की बात है,
जो नुमाइंदे यहाँ इख्तदार में है, चाहे वो कारपोरेशन में हो या असम्बली में हो, उनका ये रिकॉर्ड जीरो है कि उन्होंने ऐसे बच्चे जो अल्लाह से लॉ लगाने के लिए मदरसे में थे उनको सड़कों पर उतर के आना पड़ा। वो एकदम बराबर बात है, वो स्टेज हमारा था इसलिए वो बात बोली गई थी एनआरसी के मामले में, और स्टेज हमारा था तो इतनी बहादुरी की बात हो गई। उसी स्टेज की उमर खालिद की एक बात है जो आने वाले वक्त में बताऊंगा, उसी स्टेज पर ये बहादुरी इसीलिए थी कि हम बैठे थे वहां, मगर उसमें भी उन्होंने जो उस वक्त उमर खालिद के साथ किया वो आने वाले वक्त में आवाम के सामने बताऊंगा कि मौजूदा एमएलए ने उमर खालिद के साथ क्या किया था। हाँ तो मैं बोला कि आने वाले वक्त में बताऊंगा कि मौजूदा एमएलए ने उमर खालिद के साथ क्या किया था, और उमर खालिद ने उस वक्त मौजूदा एमएलए के बारे में क्या बोला। आज उमर खालिद 4 साल हो गया जेल में है, जो अन्याय और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाला नौजवान लड़का था उसके साथ इन्होंने किस तरह का बर्ताव किया, किस तरह की बात की, ये आने वाले वक्त में बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास भी अभी वक्त है, एक एक बात हम भी बताएंगे। खलील भाई यहाँ बात उस स्टेज की निकाल दी है और उस स्टेज से उमर खालिद की बात जुड़ी हुई है। भड़काओ मौलाना, एक बात समझ लो कि अभी शान बोली कि एमएसजी कॉलेज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाम था वो पोस्टर निकाल दिया गया, उस वक्त इनको इनको वो नहीं होता क्या, इनको तकलीफ नहीं होती, इनको उस वक्त बहादुरी नहीं दिखती। जब गर्ग यात्रा वाले आते जब इनकी बहादुरी कहाँ चली जाती, मुझे बताओ एक लफ्ज अगर ये मंत्री के खिलाफ बोलने की इनके अंदर हिम्मत क्यों नहीं है। मंत्री आज पूरा पूरा शहर हमारा खंडर करके उधर तजीनकारी कर रहा है, मगर उसके बाद नहीं बोलते। मुस्लिम औरतें आज तो अगर कोई मुस्लिम औरतें उस तरफ अगर चली जाए तो बड़ा वो होता कि यार उल्मा भी आ जाते, सब आ जाते कि यार मुसलमान औरतें वहां चली जा रही। आज रात रात भर मुस्लिम औरतें सो रही है उस हिस्से में, परेशान है, परेशान है, उनके केवाईसी नहीं हो रही है। 11 बजे 12 बजे 2 बजे जा रहे हैं, उस वक्त भी क्यों नहीं ये मंत्री के खिलाफ बोलते। इनके मैनिफेस्टो में था, इनके मैनिफेस्टो में था कि हम जो है नेशनलाइज बैंक की ब्रांच ATM इस तरफ और लाएंगे। अरे और लाना तो छोड़ो, जो था वो चला गया, तो इनको तकलीफ नहीं होती क्या कि मुस्लिम औरतों के की इतना परेशान है, दूसरी सब परेशानी है, इनको उस वक्त तकलीफ हो गई मंत्री के खिलाफ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं आती। ये सब भड़काओ मौलाना वलाना नहीं, ये बुजदिल है, इनके अंदर दम ही नहीं है, दोनों में दम नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ। यहाँ पर तुम लड़के क्या कर लेंगे, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो लड़ो ना फिरका परस्तों के खिलाफ। अगर उस वक्त मोती आसिफ शेख में तो शिवाजी पुटले के पास आ जाते ना, जब फिरका परस्त आए थे हमारे खिलाफ आए थे, ठीक है हम तो शहर के थे ना, अगर ये बड़े बहादुर थे, बड़े 40-50 भाई हैं यार, सिर्फ बहादुर और दादागिरी की बात करते तो उस वक्त इनकी दादागिरी कहाँ गई थी, जब अतर चचा मैं रिजवान सर हार पहनाने गए थे उस वक्त इनकी बहादुरी कहाँ चली गई थी।